بسم الله الرحمن الرحيم. ठीक है, इसी तरह जो है चौथी चीज जो लिबास के मामले में आती है वो औरतों का छोटे और बारीक और तंग कपड़े पहनना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, दो गुनाहगार लोग ऐसे जिनको मैंने नहीं देखा, दो जहन्नुमी ऐसे मैंने नहीं देखा, लेकिन रोजे क़यामत से पहले ये जाहिर होंगे, जिसमें ऐसी औरतें जो कपड़े पहनी होंगी लेकिन नंगी होंगी, जिनके कपड़े बारीक होंगे और दूसरों को मायल करने वाली और मायल होने वालियां होंगी, और जिनके सर बुख्ती ऊँटों के कुहान जैसे होंगे, जो जूड़े डालेंगी बाल के, जो ढलते हुए होंगे और लोगों को मायल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या आज वो जमाना हम नहीं देख रहे? क्या आज हमारे औरतों का लिबास बारीक से बारीक, तंग से तंग, पतले से पतला नहीं होते जा रहा है? और इनर वेयर्स अपर वेयर्स नहीं हो गए? जो अंदर कभी किसी जमाने में कपड़े पहने जाते थे, आज बाहर पहने जा रहे हैं, वो महफिलों में पहने जा रहे हैं। किस शर्म की बात है! और फिर लोग कहते नहीं, तुम्हारी नजर गंदी तुम देख रहे। अरे नजर गंदी का क्या है, हमारे पास कोई ऐसा कैमरा तो नहीं ना कि जिससे आपको कपड़ों में नजर आए? आप नंगे तो नंगे नजर आएंगे ना हमको। नहीं नहीं, तुम्हारी नजर गंदी है, पाक नजर रही तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये पाक और साफ का मसला क्या? जो दिख रहा है वो दिख रहा है। अगर वैसी पाक नजर चाहिए तो फिर वो मिसाल आपके लिए उस बेवकूफ की, जिस बादशाह को एक टेलर ने बेवकूफ बनाया और उसको क्या किया, एक बादशाह का मुझे ऐसे कपड़े बनाओ जो कपड़े किसी ने नहीं बनाए, कहा आ जाओ फिर बनाता हूँ। जब आया तो उसने लटका दिया कपड़े और कहा बादशाह सलामत ये कपड़े। तो बादशाह ने कहा है कपड़े? तो कहा ये कपड़े सिर्फ अकलमंद लोगों को दिखते हैं। तो कहा अच्छा, हाँ मेरे को तो दिख रहे बहुत अच्छे कपड़े वाले, चूंकि बादशाह अकलमंद था ना, समाज का प्रेशर, सोशल प्रेशर बोलते हैं। उसने कहा अकलमंद तो हाँ, मैं तो बहुत अकलमंद हूँ ना। तो उसने क्या किया, वो कपड़े निकाल के उसे पहना दिया। अब जहां भी बादशाह जाता तो लोगों से कहता देखो ये कपड़े, सिर्फ उसको जो अकलमंद है, तो उसके वजीर तारीफ करने लगे, क्या कपड़े हैं बादशाह, हालांकि नंगा था, क्या कपड़े बादशाह के, क्योंकि सब अकलमंद है ना, सब तारीफ करने लगे। जब वो मजलिस में से निकल के शहर में गया तो लोगों में पहली बात फैल गई कि जो अकलमंद है सो कपड़े दिखेंगे। सब बोलने लगे क्या कपड़े दिख रहे हैं, बहुत जबरदस्त कपड़े। और उसके बाद एक बच्चा आया, वो ना समझता, उससे आगे कहा अरे बादशाह तो नंगा आ गया आज। फिर भागा वो निकल के वहां से। आप समझ में आया इसकी पोल खुली की? तो वो हक गो था ना, बच्चे हक गो रहते, वो नहीं झूठ बोलते। उसको क्या करना भाई, अकलमंद है उसने। तो आज हमारा मामला ऐसा हो गया, नहीं तुम्हारी नजरें गंदी है, तो आपकी नजरें पाक कीजिए, हमारे कपड़े पतले तो आप नजरें नीचे कीजिए। अरे भाई तुम ऐसे कपड़ों में निकल जाओगे तो क्या नजरें पाक करेंगे इसकी, क्या आंख बंद करके चढ़ेंगे सड़कों पर से? तो ये अजीब मामला है। तो तंग चुस्त बारीक कपड़ा पहनने के बाद नंगी होने का माना यह कि ऐसे चुस्त कपड़े होंगे कि जिसे छुपाने के बाद भी उसके आजा छलकेंगे। ये औरतों के बारे में वईद ऐसी आई है, सुनिए वईद के आखिरी अल्फाज हदीस के, ये कि आपने फरमाया कि ये ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब होंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू फलां फलां दूरी तक जहन्नुम में भी आती रहेंगी। इतनी बुरी सज़ा ऐसी औरतों की। तो हम कपड़ों के मामले में बहुत एहतियात करें। पाँचवीं चीज़ लिबास के मामले में।